आज हसन ने की छुट्टियों के लिए अप्लाई, लेकिन छुट्टियां उतनी नहीं मिली जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हसन क्या कहना चाहोगे आप? यार छुट्टियां ज्यादा मिल सकती थी, लेकिन मैंने ज्यादा ड्रामा नहीं किया। मैंने कहा कि यार दर्द है, क्या करना है, तो डॉक्टर ने इनिशियली 1 वीक की छुट्टियां दी हैं, लेकिन इंक्रीज हो सकती है, लेकिन 1 मंथ की मुश्किल है। लेकिन चलो हफ्ते के भी ठीक है, हफ्ता मैं आराम से घर रेस्ट करूँ। Day 2 और ये कौन है, किसका हाथ है ये ब्लॉग? ये मेरा गुलाम है, मैं आपकी गुलाम। तो गुलाम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है नाजरीन, लेकिन गुलाम को अब चाहिए कि मुझे कोई मजेदार चीज बना के दे। गुलाम अपना व्लॉग्स एंजॉय कर रहा है, क्योंकि गुलाम एक इंसान भी है और साथ में ये बच्चा भी संभाल रहा है और साथ में आपको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो गुलाम को जल्दी से फॉलो कर ले, लाइक कर ले एंड सब्सक्राइब। गुलाम जाके चिकन या कोई मटन लेके आए। इतनी धूल मुझसे नहीं जाएगा ना, बहुत ठंड है। यही ना यार, देखो पाकिस्तान में अगर बंदा होता है ना तो चिकन वाला घर पे भी डिलीवर कर जाता है। यहाँ पर ना चिकन का बड़ा मसला होता है, हलाल लेके आओ, वो लेके आओ, जो भी है भाई। मैं अपने मुल्क की हमेशा करूंगी तारीफ, आप लोगों से हजम होती है, होए नहीं होती ना होए, मेरा मुल्क इज द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद। इतने ज्यादा टॉयज मिले हैं, सब बच्चों को इतने ज्यादा टॉयज मिले हैं, आपको दुख है कि आपको टॉयज नहीं मिले? सबसे ज्यादा ना मुझे दुख हो रहा है कि मैंने इसको स्कूल क्यों नहीं भेजा। मुझे ये लगता है सारी फसाद की जड़ है मोबाइल। मैं रात को मोबाइल यूज करती रही, उसकी वजह से मेरी नींद नहीं पूरी हुई और सुबह ब्लॉक साहब स्कूल नहीं गए। मुझे इतना दुख हुआ कि हाय, मुझे फ्री चीजें बड़ी पसंद है, वो फ्री चीज मेरे बच्चे को नहीं मिली तो मैं दुखी हो गई हूँ। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है। If you want to move forward in your life, do realize sometimes you are not right. So, जब आप अपनी गलती तस्लीम कर लेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये बातें आपको किसी ने नहीं बतानी, क्योंकि मुझे रेटिंग शेटिंग नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए चाहे मेरी बात 10 बंदों तक पहुंचे, लेकिन राइट बात पहुंचे जो उनकी आगे आने वाली जिंदगी में उनको फायदा दे। आप वो मैं भी रमजान में इंशाल्लाह आएंगे ताकि ईद शीद वहां पे नौकरी मिल जाती है तो गुड बॉय बनोगे? 24 करोड़ आवाम के सामने तस्लीम करोगे, तुम हमारी बात मानोगे, हमें तंग नहीं करोगे, हमारी सारी बातें मानोगे? मैं वो मोटा कुंभा फ्री वाली लाडू कर लूंगा, फिर शादी भी करोगे? हाँ, मेरे बाबा के बाल से। अच्छा, और सब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि अपनी मामा बाबा की बात माने? हाँ। चलो मुझे कुछ खरीदोगा कुछ भी ना को? नहीं। हाँ, तुम कभी भी नहीं कहते खरीदो कुछ। आप एक दुनिया के सबसे बेहतरीन बच्चे हो। हाँ। सबसे अच्छा बच्चा कौन है? मैं हूँ। आज का मौसम वो देखो, आज फिर मम्मा पीटर देखो, गाड़ी भी जा रही है, वो इतनी ज्यादा कार ग्रीन ग्रीन सा। ओह, दैट इज नॉट वियर्ड मौसम, दैट इज एक्चुअली सन सेट। और वो बैठी हैं दो अदद लड़कियां जो अपनी लाइफ कर रही हैं इंजॉय। तो हमें हर हाल में रहना चाहिए खुश और हर हाल में इस बच्चे को संभालना चाहिए, ये हमारे पीछे आ गया है। गुलाम की सैलरी कम हो जाएगी अगर मुझे कोई मीठी चीज नहीं मिलेगी। ओह नो, बस तो यही एक मीठी चीज है, ये एक स्वीट डिश है, स्वीट डिश, ये हमारी स्वीट डिश है। कॉर्नफ्लोर या आटा डालूंगी, उसके बाद इसकी लगाऊंगी तड़ी तो बन जाएगी अमेजिंग निहारी। अच्छा, उसको फ्राई करने के बाद ना आलूओं को थोड़ा सा, फिर उसके बाद में धनिया डालना है, क्योंकि अगर हम पहले धनिया डाल देंगे ना तो धनिया की फ्रेशनेस नहीं रहेगी। और उसके बाद करनी है फिलिंग। तो ये बनी थी निहारी, लेकिन अब इसमें रेस्टोरेंट वाला लुक तब आएगा जब हम इसमें ऊपर से ये वाला ऑयल ऐड करेंगे, जो कि मैंने बाद में निकाल के रख लिया था। रेस्टोरेंट वाले इसलिए करते हैं जिससे ऊपर तरी नजर आ रही होती है,
खैर मैं खुद कोई होटल वाली तो नहीं हूँ, ये मैंने एक सीक्रेट ढूंढा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इस तरह के तरीके से फिर जो निहारी होती है ना उसमें रेस्टोरेंट वाला लुक आ जाता है। लग रही है ना रेस्टोरेंट की निहारी, मैं बहुत खुश हूँ इस निहारी को बना के। और उसके पीछे सीक्रेट सिर्फ ये था कि ऑयल निकाल के रख लूँ पहले। ये हमारी काल है, ये हमारे ग्लव्स हैं और यहाँ बर्तन धोए जा रहे हैं, बर्तन धोए जा रहे हैं। जिन लोगों को लगता है हम यूरोप में बहुत मजे कर रहे हैं उनको क्या पता ये पार्टी हो रही है। This is party. ये पारी हो रही है, पारी हो रही है। ये हमारी पारी हो रही है, ज्यादा बर्तन धोने होते हैं। ये हमारी कार है, ये हम हैं, हमारी पारी हो रही है। काम खुशी से भी करना है और सड़ा हुआ मुंह बना के भी करना है, तो आई गैस खुशी के साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुशी के साथ काम करेंगे तो हमारे चेहरे पे आएगी स्माइल और स्माइल की वजह से लगेगा हमारा चेहरा खूबसूरत। और अगर हम सड़के करेंगे काम तो हमारे चेहरे पे आएंगे झुर्रियां और उन झुर्रियों की वजह से हम खूबसूरत ही नहीं लगेंगे, फिर हमें कोई मुंह ही नहीं लगाएगा, क्योंकि खूबसूरती तो सबको पसंद होती है। किसको खूबसूरती नहीं पसंद होती? अब जल्दी जल्दी बहुत सी हो गई बात है, अब हम जल्दी से चलता रहेगा। अभी हमारी जिंदगी में थोड़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हसन की होगी तबीयत सही तो आपको बहुत ही शानदार व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि देन हम जाएंगे पेरिस, पाकिस्तान एंड सो मैनी प्लेसेस। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखें और लाइफ में थोड़ा सा शुगर का एलिमेंट जरूर ऑन करें और किसी के साथ अच्छे से पेश आए, स्पेशली उनके बुरे वक्त में। हमारा बुरा वक्त चल रहा है, हम तो अपने बुरे वक्त को अच्छा करने के लिए थोड़ा सा मैं उस मोमेंट को कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पे कोई भी नहीं होता, ना कोई आता है ना कोई जाता है। तो हम अगर व्लॉग्स बनाते हैं तो उससे हमें ये फीलिंग आती है कि चलो मेरी फेसबुक की फैमिली और यूट्यूब की फैमिली हमें वॉच कर रही है और वो हमें इतनी ज़्यादा विशेज देती है जैसे कि स्क्रीन पर इतनी ज़्यादा विशेज चल रही होंगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू से यू थैंक यू, आपकी सपोर्ट की वजह से हम इतना आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। थैंक यू एंड आगे भी सपोर्ट करते रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रॉम हालू। सो इस नोट के साथ अब अपना बहुत सा ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।